हेलो एवरीवन, आज के इस लाइव में हम कुछ बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो देखने में तो बहुत इजी लगते हैं बट इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है इजी वे में वो आज हम सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा 220 डिवाइड बाय 220 डिवाइड बाय 220। एक नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा इसका आंसर 1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, ऐसा कुछ आना चाहिए, बट इसका रियल आंसर क्या आएगा वो हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट। 220 पहला नंबर जो है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। जब मल्टीपल डिवीजन होते हैं लाइन से तो बाकी सारे ही नंबर्स को हमें अपॉन करके नीचे लिखना होता है डिनोमिनेटर में, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है। तो सबसे पहला नंबर 220 मैंने ऊपर लिखा और डिवीजन के साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, और बाकी सारे ही नंबर जितने भी नंबर रहेंगे डिवाइड के साथ उन सबको हमें नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। इस तरह से अब इस क्वेश्चन को हम कटिंग के द्वारा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 220 एंड 220 आपस में कट जाएगा 1 टाइम्स, और हमारा आंसर क्या आया 1 by 2 and that is 0.5। ये हमारा आंसर आया इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दैट इज 110 माइनस 100 एंड डिवाइड बाय 10। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, 110 माइनस 100 डिवाइड बाय 10। ये भी बोर्ड मास की तरह पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। जब डिवीजन वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे 100 डिवाइड बाय 10, इसका आंसर आएगा 10 माइनस 110। तो हमारा आंसर क्या आया 110 माइनस 10 इज 100। ये हमारा आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज 60 प्लस 60 डिवाइड बाय 60 एंड डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, आपने सॉल्व करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर भी मल्टीपल डिवीजन है एंड साथ में एडिशन भी है, इसको कैसे सॉल्व करना है लेट्स सी। 60 प्लस एज इट इज लिख देंगे। इस 60 को जैसे मैंने पहले सीखा था कि 60 ऊपर लिखना है और बाकी सारे डिवीजन के नंबर्स नीचे लिखने हैं, साथ में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है एंड 1। ठीक है, जब कैंसिल करेंगे 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका आंसर 60 प्लस ऊपर हमारा ये 1 रह गया। ठीक है, 60 प्लस 1 दैट इज 61 इज द आंसर इस क्वेश्चन के लिए। हमारा आंसर है 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। स्लो कनेक्शन आ रहा है, इसको रहने दो, एक्सप्लेन कर दो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को, फोर्थ वाले को। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 0, इन ऑप्शंस में से इसका क्या आंसर आएगा वो हमें सॉल्व करके पता चलेगा। चलिए देखते हैं।
तो डिवाइड वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया, वन वन सा वन आया, बाकी सारे नंबर्स एज इट इज लिख लिया, वन प्लस वन मल्टीप्लाई, ये वन वन सा वन आया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वन जीरो सा, ये दोनों ही वन हमें लिख लेना है, वन प्लस वन लिख लेना है एंड मल्टीप्लाई, वन जीरो सा जीरो, ठीक है। अब अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो वन जीरो सा जीरो होता है, तो वन प्लस जीरो और हमारा फाइनल आंसर आया वन। इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है वन, ठीक है। आई होप कि आपको ये बोर्ड मार्क्स के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 5। अगेन सेम रिपीटेड डिवीजन वाला क्वेश्चन है ये, तो कैसे सॉल्व करना है। 120 हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, अपॉन में ये सारे ही नंबर्स आ जाएंगे, दैट इज 2, डिवीजन की जगह मुझे मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा 3, फिर डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई 5, ओके। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल से कट करेंगे तो 2 वन जा एंड ये आया 60 टाइम्स, अगेन 3 से करते हैं, 3 वन जा दैट इज 20 टाइम्स एंड 5 से करेंगे, 5 वन जा एंड दैट इज 4 टाइम्स, फाइनल आंसर अब हमारा आया 4। फॉर दिस क्वेश्चन हमारा आंसर है 4। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट योर क्वेश्चंस, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट। थैंक यू। फिनिश।